बहुत ही गंदा स्मेल आ रही है और अंदर से आवाज आई भाई की, कह रहे बदबू आ रही है कहाँ से इतनी गंदी स्मेल है इसकी गाय सॉस की, इतनी ज्यादा गंदी कमरे तक बदबू आ रही किस चीज की। लॉर्ड, किन दिन खड़ा नहीं मजा आ रहा किचन में, इतनी ज्यादा स्मेल है, मतलब के सॉस की स्मेल है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। इसकी हालत देख, काला काला सॉस अजीब सा इसमें डालते हैं, बटर का पानी लग रहा है ये तो। लो ले फायर करे, मैं तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा इसको देखने के बाद खाने का, एक परसेंट भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको खाऊं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। कैसे हैं आप सब लोग? सो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो गाइस आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं नॉर का, या नॉर या कनौर जो भी नाम है, नॉर का वो जो न्यू मैगी आया है 2X फुजॉन फर्ज, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो हम ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं कि उसका टेस्ट हमें पसंद आता है कि नहीं आता। रेमन तो हमने खाए हैं कोरियन नूडल्स वगैरह, लेकिन वो तो फिर बहुत अच्छे होते हैं। अब लेट्स सी कि ये कैसा, इससे पहले जो आया था नॉर का वो भी पता नहीं इसका नाम क्या था, लेकिन वो बहुत ही फजूल था। तो अभी हमने ऑर्डर किया है, अभी वो आएगा, फिर उसको हम पकाएंगे, फिर देखते हैं कि वो कैसे। तो तब तक के लिए वेट करें और सब्सक्राइब करें। सो गाइस फाइनली हमारा जो ऑर्डर है फूड पैंडा से वो आ चुका है। दरवाज़ा बंद करना है, ये मम्मा वाला दरवाज़ा। और ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये है, मेरे ख्याल से इसका नाम होगा फ्यूजन है, ये फुजॉन है या फ्यूजन है, फ्यूजन ही लग रहा है ये, पता नहीं क्योंकि मैंने उसे देखा ही था, सुना नहीं था नाम। खैर ये देख लें आप लोग गाइस, ये आ चुका है नॉर के, ये है हॉट कोरियन किमची रेमन। अब देखते हैं कि भाई ये कैसा है। इससे पहले वाला जो था ब्राज़ीलियन करके कुछ नाम था उसको, वो तो बहुत 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 ही बुरा था। और ये हम लोगों ने मंगाया है कुछ 350 रुपये का, जिस पे लिखा हुआ होगा 350, ये इतने का मैंने मंगाया है, अभी एक ही मंगाया है। चलो चले इसको ट्राई करते हैं। और बाकी मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, फजूल चीज़ें मंगाने में तो मैं माहिर ही हूँ। ये देखें भर के माशाल्लाह से, उसके अंदर चीज़ बॉल्स, तो ये तो वो ये लग, तो इतने सारे आइटम भी, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो आइटम मंगाना नहीं है मैंने। चले इसको फिर ट्राई करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं कि ये कैसा बनता है, इसका टेस्ट कैसा है। तो गाइस अब हम शुरू कर रहे हैं इसको बनाना। पानी गर्म करने के लिए रख दिया है सॉस पैन में, और क्योंकि गैस नहीं है तो ये है इलेक्ट्रिक चूल्हा। इलेक्ट्रिक चूल्हे में है, पानी गर्म हो जाए उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे फ्यूजन। ये है भाई, चलें अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। उम्मीद तो बहुत अच्छी नहीं है, लास्ट टाइम भी उम्मीद जो थोड़ी बहुत थी वो ख़राब ही हुई थी। जावे मुझे उम्मीद है कि बहुत बकवास होने वाले हैं ये, क्योंकि कोरियन वाले ही अच्छे हैं। और ये इसका सॉस है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन से कि ये अलग से पकाना पड़ेगा इस सॉस को हम लोगों ने, मतलब कि ये जब पक जाएंगे तो फिर ये पानी थोड़ा सा निकाल के फिर इस पर सॉस डालना पड़ेगा। सॉस डालने के बाद फिर उसको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ठूस सकते हैं। तो ये है इसका सॉस, नॉर का, नॉर पता नहीं फ्यूजन फुजॉन समझ में नहीं आ रहा, कैसा कंफ्यूजिंग सड़ा हुआ भाई ऐसा नाम है। किमची भी लिखा हुआ है, कोरियन किमची। हाँ, और वो भी लिखा हुआ है रेमन नूडल्स। अब तब खा कर ही पता चलेगा कि ये रेमन है या फिर वही सड़ा हुआ जो चटपटा हम खाते हैं, उसी को उन लोगों ने इसमें डाल के जो है सॉस ये डाल के दे दिया। हाँ। लास्ट टाइम वाला तो बहुत ही फजूल था, बहुत ही बकवास था, गले पे लगा था। हाँ, लिखा हुआ है ना, देखे क्या होता है, हॉट कोरियन किमची रेमन। चले जी अब देखते हैं कि क्या होता है, ये पक जाएंगे फिर हम आपको शक्ल दिखाएंगे। चलो तो गाय जी तकरीबन कितना 10 मिनट का हमने इसको छोड़ा हुआ, और ये अभी तक जो है कच्चे हैं। ये देखें हल्के हल्के से सख्त हो रहे हैं ये, तो हम इसको 5 मिनट और छोड़ेंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। बता कैमरे में तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे हाथ लगाना कड़क हो रहा है ना, कड़क से फील हो रहा है, वाइट अलग ही पता चल रहा है। पानी तो कम नहीं है, पानी तो नहीं, बस अभी 5 है। इसको हम 5 मिनट और छोड़ेंगे, उसके बाद फिर जैसा भी बना होगा हम खा लेंगे।
तो गाइज ये हो चुका है, अब इसको हम निकाल रहे हैं, सही से पक गए हैं ये। अब एक और फटीक, अब इसको पकाओ सॉस को। अजीब सी बात, डायरेक्ट भी डाल लेंगे जो कोई होगा नहीं, लेकिन पानी में डालना है। पानी में डाल के इसको पका के, इतनी मेहनत जो उस पे लिखा है मैं तो वही कर रही हूँ। बहुत है वैसे पानी। हाँ अच्छा खासा है ना। अब ये डाल के कर दूँ? हाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, है ना। चल नहीं पकेगा भी ना, फिर भी हो जाएगी। पहले पानी गर्म हो जाए, डालना है पानी गर्म हो जाएगा, सॉस डालेंगे इसके अंदर, फिर सॉस पकेगा, उसके बाद फिर वो पकने के बाद फिर वो नूडल्स के ऊपर डालेगा, उसके बाद फिर हम लोग दिखाएंगे। ये तो वो हो जाएगा गरम, डाल दें इसमें। इतनी गंदी बदबू है इसमें तो सॉस की। अरे हाय ये कैसा सॉस है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है सॉस के अंदर से, इतनी गंदी जबरदस्त उसकी स्मेल होती थी खाने को, तो उसको इतनी गंदी बदबू आ रही है। चलो बहरहाल डाल दे, कि तो केचप लग रहा है। केचप भी अच्छा होता है, मैं तो एक ही बाइट खाऊंगी थूक दूंगी, तो बड़ा गंदा सा टेस्ट लग रहा है, लगने वाला है इसका। ये दूसरी दफा नौर वाले जो है ना जलील करेंगे। तो ये पकेगा तो फिर इसमें नूडल्स जाएंगे थोड़ा, इसको दो मिनट तीन मिनट के लिए। क्यों इतनी बदबू आ रही है? रिव्यूज देखे थे मैंने, लेकिन ट्राई करना था तो इसलिए मैंने कहा ट्राई कर लेते, लेकिन रिव्यूज में देख चुकी थी कि बहुत गंदे है। पहले वाले के भी पसंद है, पहले वाले तो कितने गंदे रिव्यूज आए थे। उसकी इतनी गंदी स्मेल तो नहीं होती थी, साढ़े तीन बहुत ही गंदा स्मेल आ रही है, और अंदर से आवाज आई भाई की, कह रहे बदबू आ रही है कहाँ से। इतनी गंदी स्मेल है इसके गाय सॉस की, इतनी ज्यादा गंदी, कमरे तक बदबू आ रही किस चीज की। खड़ा नहीं हुआ जा रहा किचन में, इतनी ज्यादा स्मेल है, मतलब के सॉस की स्मेल है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। इसकी हालत देख, काला काला सॉस, अजीब सा इसमें डालते हैं, गटर का पानी लग रहा है ये तो। लो ले फायर करे, मैं तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा इसको देखने के बाद खाने का, एक परसेंट भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको खाऊं। तो गाइस बहुत ही गंदी बहुत स्मेल आ रही है, रिस्क है तौबा तौबा बोल लेनी चाहिए, लेकिन सच में बता रही हूँ ऐसा लग रहा है कुछ सड़ा हुआ, कोई गंदा सा सॉस चाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको निकालेंगे बाउल में। गाइस अब आता है असली वक्त, और यार संचुप हो जाओ, डर लग रहा मुझे वैसे ही, और डर लग रहा है अल्लाह की कसम, पहली दफ़ा कुछ जिस चीज़ खाते हो डर लग रहा है। तो दफा छोटा सा बाइट बनाएगा, सिर्फ दो नूडल हो उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ दो नूडल। अच्छा भाई उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठो। मम्मा खिलाया ना, मम्मा बहुत मारेंगी। मम्मा खा चले गाइस, पहला बाइट खाला जा रही हूँ, बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। बिस्मिल्लाह वापस ले जाओ, फेंक दो उसको। नहीं है बेटा, तौबा तौबा तौबा, इतने बुरे सिच्चे तो पुराने वाले थे, तौबा तौबा तौबा। बनाते क्यों हो तुम कनौर वालों, क्यों बनाते हो ये गंदे गंदे से नूडल, इतने गंदे, इतना गंदा टेस्ट। अच्छा तो वो जो चटपटे वाले ना वो कितने मजेदार होते, इतने गंदे। लेट मी ट्राई नाउ। अब चले आप खाए ले, आप भी ट्राई कर ले। लो आप लोग मत खाइएगा प्लीज। अब बारी है ईशा बाजी की। बताओ 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 बताओ, दिल कर रहा ना उल्टी करने का दिल कर रहा ना। ये जिसने ये बनाया ना उसके मुंह पर जाके उल्टी करो
कंप्लेन कर रहे हैं ये पूरा का पूरा वेस्ट होने वाला है, इतना कोई गंदा उसकी पूरे घर में स्मेल हो चुकी है कि मम्मा पूछ रही है, मम्मा बोल रहे कुछ जल गया है। हमारा तो छोटा सा मुस्तफा कह रहा है इट्स सो स्मेली, और भाई कह रहा है कि गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, कि ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने पॉटी कर दी है। नहीं नहीं मम्मा बहुत मारेंगी। मम्मा को खिला लें, लेके जा रही है आयशाबादी है ये नूडल्स। आप यकीन करें इतने बुरे इतने बुरे इतने बुरे इतने बुरे कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग मत खाइएगा। सो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ भी बता सकती। गाइज मम्मा के साथ प्रैंक हो रहा है, मम्मा के साथ ये प्रैंक होने जा रहा है फिर से। उल्टी उल्टी कैसे है? लाइक इट गंदे घटिया तरीन, घटिया तरीन है ये, घटिया तरीन। देखा देखा सुना आप लोगों ने कितनी स्मेल आ रही है, कितनी स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या सॉस के अंदर इन लोगों ने डाला हुआ, कितनी शदीद बदबू आ रही है। किमची बनाया क्या? किमची किमची ऐसा नहीं होता भाई, पता नहीं ऐसा क्या बना दिया, पता नहीं क्या डाल दिया इसके अंदर, तौबा कोई दवाई जहर है जहर, ये तो गुना है गुना। सामने मुझे बहुत मारेंगे, मैं तो उनको नहीं खिलाई। तो गाइस खत्म करते भाई आज का व्लॉग, बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये हम लोगों से, बहुत बुरा है, बहुत 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 बुरा है।